हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज का कंटेंट है जिनकी आईडी ब्लॉक हो गई है, ब्लैकलिस्ट हो गई है, या फिर सेल्फी रिलेटेड अकाउंट बंद हो गया, डीएक्टिवेट हो गया है, या फिर जिन्होंने अपनी आईडी को बनाया और अपलोड पेपर करने के बाद, डॉक्यूमेंट सारे डालने के बाद उनकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई। काफ़ी ज़्यादा मैंने पिछली वाली जो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए कि आसिफ भाई हमारे जो डॉक्यूमेंट थे हमने फिल किए, उसके बाद तुरंत बाद हमारी आईडी डीएक्टिवेट हो गई। कुछ सेल्फी रिलेटेड कुछ कमेंट थे और जितनी भी मैंने लोगों के साथ 2 से 3 दिन के अंदर जितने भी मतलब बात की, सभी का अलग अलग नज़रिया रहा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 2 या 3 स्टेप बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो एक रिक्वेस्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं, उससे भी आपका काम हो सकता है। दूसरा, अगर आपका नॉर्मल कोई इशू है तो आप खुद अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सारा कोई बताऊंगा आज के वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, सबसे पहले जो वो अकाउंट जो जिन्होंने अपना अकाउंट की जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है फिल करने के बाद तुरंत उनका डीएक्टिवेट अकाउंट हो गया, काफ़ी दिन से हो गया या फिर अभी अभी फ़िलहाल हुआ है, कुछ भी कितना भी टाइम अगर हो गया है आपका, तो आपने आपकी जो गलती हुई है वहाँ पर वो आपको समझ में नहीं आ रही है, पर वहाँ पर आपको दिखा रहा है प्लीज़ कॉन्टेक्ट सपोर्ट नंबर वगैरह वगैरह जो भी दिखा रहा होगा वहाँ पर वो शो कर रहा होगा, और वहाँ पर दिखा रहा होगा क्या कि आपने ऊबर की नीतियों का उल्लंघन किया या कंपनी गाइडलाइंस के खिलाफ, मतलब वो सब उल्टा पुल्टा एक्स वाई जेड इधर का उधर, वो ऐसी टाइप की आपको नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे होंगे। और यहाँ पर दूसरा जो चीज़ है वो है सेल्फी रिलेटेड। अगर आपका सेल्फी किसी ड्राइवर ने लगा दिया धोखे से, गलती से, भूल में, या फिर आपने किसी ड्राइवर का अपना सेल्फी दे दिया, तो उसके अंदर भी आपको यही चीज़, यही कंडीशन सब कुछ नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं 2 से 3 दिन से काफ़ी लोगों से बात की मैंने, तो सबका रीज़न जो मैंने उनके एप्लीकेशन के ऊपर उनको दिखाया, तो किसी का कहना है कि मुझे जो चीज़ मैं उनको बता रहा हूं कि आपको इस ऑप्शन पे जाकर आपको ये चीज़, ये जो पॉइंट्स है, डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, इनको वेरीफाई कराना है, तो किसी को शो कर रहे हैं और किसी को शो नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ से मुझे ये समझ में आता है कि भाई सभी के रीज़न मतलब अलग अलग डिफरेंटली हो सकते हैं। अगर आपका इन दोनों कामों से नहीं होता है ना, तो आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, उस वेबसाइट पे जा करके आप अपनी रिक्वेस्ट फिल कर सकते हैं। तो वहाँ से अगर काम नहीं हो रहा है तो आपका वहाँ से काम हो जाए। मैं दोनों चीज़ें आपके साथ हैं आपके सामने रखूँगा, जिसके थ्रू आप खुद उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं फिल करके आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं एक रिक्वेस्ट के तौर पर। एक रिक्वेस्ट तो आप समझ ही गए होंगे कि रिक्वेस्ट क्या होती है। हम जैसे अगर किसी को गलती कर लेते हैं और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद उसे बोल देते हैं भाई किसी ने लग गया, कोई हाथ वाल लग गया, तो बोल देते हैं भाई सॉरी, तो एक रिक्वेस्ट होती है भाई, या फिर हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है तो भाई पहले दे दो, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, इस टाइप की रिक्वेस्ट होती है। तो कंपनी जो फॉर्म दे रही है ना फिल करने का, वहाँ पर भी आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं जो आपको फिल करने होंगे, और वहाँ पर आपको एक फिल करने के बाद जो भी आपकी डिटेल्स है वो थोड़ी सी शेयर करनी है आपके अकाउंट के रिलेटेड, और सबमिट कर देना है आपको एक रिक्वेस्ट के तौर पे। तो अगर आप ऐसी रिक्वेस्ट डाल देते हैं और कंपनी आपका अकाउंट वेरीफाई कर दे और आपका अकाउंट चालू कर दे, तो आपको एक रिक्वेस्ट डालने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, सिर्फ 1 या 2 मिनट का काम है, वो आप कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूँ, जो अकाउंट बनाए, अपलोड किए पेपर, उसके बाद तुरंत डीएक्टिवेट हो गए, उसमें आपकी ज़्यादातर मैंने जो भी देखे अभी तक जितने भी अकाउंट, उनके अंदर आपका प्रॉब्लम क्या है ना, सबसे पहले बता दूं आपकी गलती ये है कि आपने एक ही एप्लीकेशन से, उबर की ड्राइवर एप्लीकेशन से सारे डॉक्यूमेंट फिल कर दिए और अपलोड करके सबमिट कर दिए, और वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन में सारे डॉक्यूमेंट ग्रीन टिक के साथ आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आप अपनी एप्लीकेशन उठा के चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको टोटल जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स फिल किए हैं ना, वो सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे ग्रीन टिक में। आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे अपने, तो वहाँ पर आपको सभी दिखेंगे, सभी के आगे ग्रीन टिक लगा होगा, आपको लग रहा होगा कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए और सारे कंप्लीट दिख रहे हैं, वेरीफाई हो गए। लेकिन आप जब अपनी उबर की फ्लीट एप्लीकेशन में जाएंगे और गाड़ी या ड्राइवर
दोनों के डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट आपको पेंडिंग नज़र आएंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पेंडिंग नज़र आ रहे हैं उनको री अपलोड कर देना है दोबारा से, और उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। दूसरे कुछ लोग उसमें क्या सोच रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई मतलब दिख रहे हैं कम्प्लीटली अच्छे से शो कर रहे हैं, कम्प्लीट हो गए, वेरीफाई हो गए, तो उसमें क्या कर रहे हैं लोग, नहीं चालू हो रही हैं तो उसको डिलीट मार के रिमूव करके दोबारा से फिल कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके दो अकाउंट बन जाएंगे एक ही नंबर पे, इस टाइप से जैसे काफ़ी सारे लोग बना लेते हैं। दूसरा वो तरीका जिनके आईडी सेल्फी रिलेटेड बंद हो चुकी है उनके लिए क्या, तो सेल्फी रिलेटेड हो या फिर आपका कोई भी इशू हो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं है दिखाने के लिए कि मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि ऐसा बंदा जो था, मैंने 3 दिन पहले मैंने ऐसे ही उसके डॉक्यूमेंट फिल कर दिए थे और उसकी 3 दिन में आईडी एक्टिवेट हो गई थी, उसके अंदर आपको उसके अंदर उसके लिंक सारे नज़र आ रहे थे और उसके ही के अंदर उसके डॉक्यूमेंट फिल करने थे। तो आप अपनी उबर की एप्लीकेशन को लॉगिन करना, वहाँ पे देखना, अकाउंट को ओपन करना, एप्लीकेशन को ओपन करना, और जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर अपनी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ ओपन करके एक एग्जांपल के लिए। फाइनली माना मैंने अपनी उबर की एप्लीकेशन यहाँ पर जो स्क्रीन है यहाँ पर लगा दी, तो ये वाली मेरी जो उबर की एप्लीकेशन है इसको आपको ओपन करना है सबसे पहला। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो गोल चक्कर नज़र आ रहा है ना गो का, जिसमें गो लिखा है हम ऑनलाइन होते हैं, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास रेड कलर का लोगो आ जाएगा। लोगो मतलब डीएक्टिवेट नहीं होगी आपके, मतलब एक्टिवेट नहीं होगी, सॉरी आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होगी। वहाँ पर आपको प्लीज़ कॉन्टेक्ट सपोर्ट केयर नंबर या अटरम कटरम कुछ भी लिख के दे, उसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसके अंदर आपको देखना है ऊपर की साइड पे स्क्रॉल करना है और वहाँ पर आपको 3 लिंक नज़र आएंगे, उबर ड्राइवर रिलेटेड ही तो दो लिंक होंगे, तीनों की एक ही लाइन में तीनों होंगे, और एक लास्ट में जो होगा उसमें लिखा होगा ऊबर ईट्स रिलेटेड, मतलब ऊबर के जो फूड वगैरह डिलीवरी करते हैं ना उनका ऑप्शन नीचे लास्ट में दिया गया है। अगर आपके सेल्फी रिलेटेड अगर आपका अकाउंट बंद हुआ है तो उसमें वो 3 लिंक आपको नज़र आएंगे, उसके अंदर आपको 2 लिंक के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए अपलोड करने के लिए जो भी आपको कैरी करने के लिए कह रहा है वहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर फिल करके वेरीफाई कर लेना है अगर दिखाई देते हैं तो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी बात की हुई है और लोगों से पूछा है किसी को दिख रहे हैं किसी को नहीं दिख रहे हैं, जिनको दिख रहे थे उनके डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड करा के वेरीफाई करवाने को बोल दिया है, भाई यहाँ से जो 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 भी पॉइंट्स वगैरह जो आपको शो कर रहे हैं वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल कर देना है, वहाँ पर आपने फिल करके सबमिट कर देना है। अब मैं आपको पहले वाला दिखाऊं जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं ना के ग्रीन टिक वाले, तो यहाँ पर मैं एक अपना पेज ओपन कर रहा हूँ इस टाइप से, तो यहाँ पर स्क्रीन जो मैं लगा रहा हूँ ना इस टाइप से आपके जो ग्रीन टिक सारे दिखेंगे कि ग्रीन टिक हो गए, और जो ऑप्शनल होते हैं ना छोड़ देने वाले वो आपको ब्लैक दिखेंगे, लेकिन जो ग्रीन टिक वाले आपको दिखेंगे यहाँ पर आप अपनी आईडी में ड्राइवर आईडी में देखेंगे तो आपको सारे ग्रीन टिक वाले आपको कंप्लीट नज़र आएंगे, ये वेरीफाई हो चुके हैं। लेकिन ये होता है कुछ उल्टा है उनके लिए जिन्होंने आईडी अपनी बनाई और उनके अकाउंट डीएक्टिवेट हो गए, या फिर इनका जिनका वो भी चेक कर सकते हैं अपने जिनकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई है किसी भी रिलेटेड को लेकर के, उनको शायद ये नहीं मालूम होगा कि हमने ये गलती की थी इसकी वजह से बंद हो गई, शायद आपके डॉक्यूमेंट पेंडिंग में दिखा रहा हो जो एक्सपायर हो गए हों या फिर कंपनी के रिलेटेड या फिर कोई इशू के वगैरह। तो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लें कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा पेंडिंग में दिखा रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको जो दिखाई ना वो तो थी दोनों के रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊबर की फ्लीट एप्लीकेशन में आपको क्या करना है और वहाँ पर आपको किस तरीके से जाना है वो आप देख लो पहले। तो ऊबर की जो फ्लीट एप्लीकेशन है वो मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन पे, यहाँ पर मैंने ऊबर की फ्लीट एप्लीकेशन यूज की है। ऊबर फ्लीट एप्लीकेशन में आपके अगर डॉक्यूमेंट जो भी पेंडिंग में है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, ऊबर की ड्राइवर एप्लीकेशन में आपको नहीं दिखेंगे। तो
सबसे पहले आपको यहाँ जाना है, ये तीन चार डॉट दिख रहे होंगे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आपको क्लिक करना है, मैं आपको दिखा दूँगा एरो मार के, फिर आप कहोगे हमको मालूम ही नहीं पड़ा। तो ये जो आपको तीन डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन डॉट नज़र आएंगे ऊपर की साइड पे। तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करना है, ड्राइवर के डॉक्यूमेंट चेक करना है। यहाँ पर दोनों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यहाँ पर ड्राइवर है और यहाँ पर आपके गाड़ी के हैं, ठीक है। इन दोनों में जा कर के एक एक डॉक्यूमेंट आपको चेक कर लेना है। पहले ड्राइवर में जाएंगे या फिर पहले मैं आपको व्हीकल के दिखा देता हूँ। तो व्हीकल में जाएंगे तो व्हीकल में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो इस टाइप से आपको डॉक्यूमेंट नज़र आएंगे। और मैं आपको दिखाऊं, देखो यहां पर जो लिखा है ना असाइन, इस टाइप से अगर आपका आ जाता है ना तो आपका अकाउंट एक्टिव है। अगर आपको इस टाइप का नजर आ रहा होगा तो समझ लेना आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है बंद। लेकिन यहाँ पर टोटल ग्रीन दिख रहे होंगे ना आपको नीचे, यहाँ पर ये तीनों जो लाइनें मैंने डाली हुई है ना, यहाँ पर आप देखेंगे पेंडिंग अकाउंट लिखा होगा और एक्टिव स्टेटस लिखा होगा। तो समझ लेना जो भी अकाउंट, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, एक्टिव स्टेटस दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि हमारे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमारी आईडी एक्टिवेट नहीं हो रही है। ड्राइवर में भी जा करके वही देख लेना, अगर मैं ड्राइवर ओपन करूंगा तो मेरी पर्सनल डिटेल ओपन होगी, सेम टू सेम इसी टाइप दिखाएगा ड्राइवर अकाउंट में भी, एक्टिव नॉन एक्टिव। वहाँ पर पेंडिंग डॉक्यूमेंट, जो भी आपको पेंडिंग डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं वहाँ पर आपको री अपलोड उसी में जा करके जो एप्लीकेशन है डॉक्यूमेंट डालने की, वहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग वगैरह दिख रहे हैं वो वहाँ पर जाकर सबमिट कर देना है। ये जो तरीका मैंने बताया वो सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। फिर अब आ जाते हैं हमारे को कि अगर हमें वो शो नहीं कर रहा है, अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है कंपनी को, रिक्वेस्ट डालनी है, तो वो कैसे होगा। तो अपने गूगल का क्रोम ओपन कर लेना है। सबसे पहले मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ, क्रोम करें या फिर गूगल करें, दोनों में से एक आप ओपन कर लेना। वहाँ पर आपको डालना है ड्राइवर, उबर ड्राइवर इंडिया सेल्फी अकाउंट रीएक्टिवेशन, समझ गए। तो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया उबर ड्राइवर तो जैसे ही आप अपनी गूगल पे जाएंगे, क्रोम वगैरह गूगल में दोनों में से एक ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको फिल करना है, मैं आपको बता दूँ उबर ड्राइवर इंडिया सेल्फी अकाउंट रीएक्टिवेशन, ठीक है। ये आपको सर्च करना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर सर्च करता हूँ तो मेरे पास एक डेटा निकल के आएगा, एक वेबसाइट भी निकल के आएगी। तो वेबसाइट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पहले ही ऊपर जो लिखा हुआ है वहाँ पर वो पढ़ लेना है आपको। दूसरा नीचे की जो वेबसाइट लिखी हुई है मैं आपको दी यहाँ पे, आई वेंट टू रीएक्टिवेट माई उबर टैक्सी अकाउंट उबर हेल्प। तो इस ऑप्शन पे आप जाएंगे ना तो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद ये इंग्लिश में है अभी, तो यहाँ पर आप देखेंगे आई वेंट टू रीएक्टिवेट माई उबर टैक्सी अकाउंट। इसके अंदर आपको जाने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट फिल करनी है। पहला आपका जो उबर में आपने नाम डाला हुआ है वो डालना है, उबर के अंदर अकाउंट में जो नंबर डाला हुआ है वो डालना है। दूसरा आपने ट्रिप जो की हुई है ना, लास्ट की ट्रिप, पहली और दूसरी लास्ट, मतलब जब आपका अकाउंट बंद हुआ है ना, बंद होने से पहले जो आपने ट्रिप की हुई है, लास्ट की दो ट्रिप के डिटेल तीसरे ऑप्शन में आपको भरनी है। यहाँ पर डेट, पिकअप, ड्रॉप, दोनों आईडी की, दोनों बुकिंग की आईडी की यहाँ पर डिटेल शो करनी है, जो भी हुआ है वो, ठीक है। जो भी आपने बुकिंग लास्ट की, जब आपका अकाउंट बंद हुआ उससे, मैं दोबारा से दोहरा दूँ, जब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ उससे पहले आपने दो ट्रिप की होंगी, उस दो ट्रिप की यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आपकी मेल आईडी जो आपने उबर में लगा रखी है वो, और यहाँ पर कैप्चा का ओके करके सबमिट कर देना है, इतना काम करना है। लेकिन जब आप दो आईडी की जो ट्रिप आपने की ना उसके अंदर सारी चीज़ें फिल करने के बाद नीचे एक रिक्वेस्ट फिल कर देनी है, कौन सी,
कुछ भी मतलब जैसे मानो इमोशनल वाले वर्ड डाल देना है नीचे लास्ट में, सिंपल समझ रहे हो ना मेरी बात, प्यार मोहब्बत वाले इमोशनल वाले ऐसे वर्ड डालने हैं जो भी बंदा देखे ना उसको एक इमोशनल हो जाए कि हाँ बंदे की इस ड्राइवर की बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन क्रिटिकल नहीं नॉर्मल है। देखो प्यार से जो काम होता है ना वो बहुत अच्छे से होता है, अगर आपने एटीट्यूड वगैरह नॉर्मल तो वो अच्छा नहीं होता है। मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँ, अगर आपने इमोशनल वाले दो चार वर्ड वहाँ पर डाल दिए नॉर्मल से, उसमें क्या जाता है आपको एक रिक्वेस्ट ही तो डालना है भाई। रिक्वेस्ट क्या होती है, यही होती है ना भाई नॉर्मल, तो आपको यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट फील कर देनी है और नीचे जो आपको नीचे सबमिट का ब्लैक कटन का ब्लैक जो दिख रहा है उस पे जा करके आपको सबमिट कर देना है, समझ गए ना, क्या कर देना है सबमिट कर देना है। तो इससे करने से क्या ना आपका बेनिफिट ये हो जाएगा, एक तो वहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो जिनके भी जितने भी अकाउंट बंद हुए हैं किसी भी रिलेटेड बंद हुए हो ना, तो वो सारे के सारे अपने इस वाले ऑप्शन का, इस वेबसाइट का फ़ायदा उठा के एक रिक्वेस्ट भेज सकते हो कंपनी को, जिससे क्या है ना कंपनी अगर वेरीफाई करती है किसी शहर में गाड़ियों की कमी उसको महसूस होगी ना तो वो तुरंत आपका अकाउंट चालू कर देगी, पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा आपने कुछ भी कर रखा है नॉर्मल कोई वगैरह इश्यू है, वेरिफिकेशन होने के बाद दोबारा आईडी चालू हो जाएगी, लेकिन जब चालू होंगी तो सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें कर लेनी है। यहाँ पर कुछ कॉमेंट एक से भी आए, मैं आपको बता दूँ लास्ट में अगर कुछ कन्फ्यूजन वगैरह होता है मैं भूल गया हूँ कुछ तो बता देना मुझे कमेंट करके, कोई दूसरी वीडियो में के अंदर मैं इसको रिकवर कर लूँगा, इंक्लूड कर लूँगा। कुछ कमेंट वगैरह ऐसे थे कि आसिफ भाई हमारी जो आईडी है ना काम किया नहीं हमने, तो फाइनली मैं आपको दोस्तों बता दूँ अगर आपका किसी भी रिलेटेड आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है तो आप अपनी इस फॉर्म के थ्रू इस फील्ड में करने के बाद आप अपनी एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट डालने से आपका अकाउंट वापस से रीएक्टिवेट हो सकता है और जो डॉक्यूमेंट वाली जो प्रॉब्लम थी जिनकी जिन्होंने आईडी चालू की उनकी आईडी तुरंत बंद हो गई है वो अपने डॉक्यूमेंट चेक करके दोबारा से रीअपलोड कर सकते हैं। रीज़न यही है, मैंने काफ़ी सारे लोगों के देखे हैं, कल या दो जन मेरे पास मिले उनका भी ऐसे ही था, पेंडिंग वहाँ दिखा रहा था डॉक्यूमेंट और वहाँ पर वो सारे ग्रीन दिखा रहा था, मुझे बोले आसिफ भाई यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। जब मैंने उसको ऊबर फ्लीट की एप्लीकेशन डाउनलोड करके सारे डॉक्यूमेंट उसको दिखाए मैंने, तो मैंने कहा भाई ये क्या है, तो बोला यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैंने कहा यही है मेन इशू, तो इसको दोबारा से रीअपलोड किए, अब देखते हैं दो चार दिन में क्या होता है उसका, तो रिप्लाई जैसे आएगा वो। तो इसके लिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ जो भी आपके रिलेटेड जैसे किसी भी रिलेटेड में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। दूसरा अगर आपको सेल्फी रिलेटेड या फिर कुछ भी वहाँ पर ऑप्शन लिंक वगैरह दे रहा है वेरीफाई करने के लिए, तो आपको सब मिला के मैं एक बात बोल दूँ ना, जो भी आपको लिंक वगैरह जो भी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो, वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट दोबारा से रीअपलोड करने होंगे उसी अकाउंट में, नया अकाउंट मत बना लेना, ये संभाल के ध्यान रखना हमेशा। तो जो भी लिंक दे रहे हैं वहाँ पर जो भी लिंक आ रहे हैं वेरीफाई करने के लिए अपलोड पेपर करने के लिए वो सारी चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी वो दिखा रहा है, वहाँ पर आपको रीअपलोड कर देने पेपर, समझ रहे ना। कुछ मिस्टेक की वजह से किसी का एक्सपायर हो जाता है तो आईडी बंद कर देते हैं रीएक्टिवेट, रीजन कोई दूसरा डाल देते हैं लेकिन वो होता नहीं है, होता कुछ और है। तो जो भी मैंने अभी तक बात की ना तीन चार दिन में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जहाँ तक लोगों को ऐसा है कि हमारे सेल्फी की वजह से हो गया, लेकिन उनके रीज़न अलग अलग हैं, क्योंकि जिस बंदे का सेल्फी रिलेटेड काम हुआ था ना, मैंने जो पिछली वाली वीडियो में बताया था उसका सेल्फी रिलेटेड था, इसके लिए उसके तीनों लिंक निकल के आ गए और वहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट फिल करके उसके 3 दिन में आईडी चालू हो गई। तो आप वो आइडिया ले सकते हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, वहाँ पर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अपनी रिक्वेस्ट फिल करके सबमिट कर सकते हैं। यही एक एक वो है पॉइंट जो करने का है वो, बाकी का कोई भी एजेंट वगैरह पैसे वगैरह लेते हैं लेकिन बहुत सारे एजेंट सीधा हाथ खड़े कर देंगे भाई हमसे नहीं होगा, आप यहाँ पर एक ट्राई कर सकते हैं, एक कोशिश करने में आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा, चाहो तो कर सकते हो नहीं चाहो तो फिर आपकी मर्जी है। तो आज का वीडियो इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।